हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द मिनी कंप्यूटर्स। तो देखिए, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होते हैं, उसके पहले हमने पढ़ा था सुपर कंप्यूटर्स क्या होते हैं। अब ये जो मिनी कंप्यूटर होते हैं, इनकी क्या खास बात होती है कि ये मीडियम साइज कंप्यूटर होते हैं। दे आर मीडियम साइज कंप्यूटर। मीडियम साइज का मतलब कि सुपर कंप्यूटर और मेन फ्रेम, इसके बीच में ये, या आप ये कह सकते हैं कि मेन फ्रेम कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है वो अभी हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है। इनके बीच में ये मीडियम साइज कंप्यूटर होते हैं, ठीक। पहली बात तो ये साइज वाइज समझ लीजिए। दूसरी बात क्या है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट होता गया, ठीक है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती गई, ये जो मिनी कंप्यूटर है ये ऑब्सोलीट हो गए। क्यों? क्योंकि जो पर्सनल कंप्यूटर है, पीसी जिसको हम बोलते हैं पर्सनल कंप्यूटर, वो ही इतने ज्यादा एडवांस हो गए कि इन मिनी कंप्यूटर्स की जरूरत नहीं रही। तो पीसी इतने ज्यादा आज की डेट में हाईली एडवांस्ड है टेक्नोलॉजी से कि मिनी कंप्यूटर्स जो है धीरे धीरे ऑब्सोलीट हो गए। ये मिनी कंप्यूटर्स ऑब्सोलीट हो गए, ठीक। फिर भी ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ये तो आपको एटलीस्ट आपको जानना चाहिए, ठीक है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, या वैसे भी आपके जनरल नॉलेज के लिए। तो मिनी कंप्यूटर्स जो है, पहली बात तो ये है कि मिनी कंप्यूटर्स कब बनाए गए थे। ये बनाए गए थे 1960s में। पहला जो मिनी कंप्यूटर बनाया गया था वो 1960s में बनाया गया था, ठीक है। और जैसे ही पहला ये मिनी कंप्यूटर बनाया गया, ये इतना ज्यादा इसको सक्सेस मिली, इतनी ज्यादा इसको सक्सेस मिली कि आप ये समझ लीजिए करीब 40,000 मिनी कंप्यूटर्स इमीडिएटली मार्केट में सोल्ड आउट हो गए, मार्केट में बिक गए, ठीक। उसके बाद क्या हुआ कि जब इतना ज्यादा सक्सेसफुल मिला मिनी कंप्यूटर को, इसमें जो कंपनी थी, ठीक है, डीईसी, डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन, ये जो कंपनी थी, इन्होंने क्या किया कि तुरंत दो मॉडल इन्होंने लॉन्च किया उस समय जब इतना ज्यादा सक्सेस मिला, PDP-11। और पहला मॉडल ये लॉन्च किया उन्होंने और दूसरा VAX-18, VAX-11/7/80। इतनी ह्यूज सक्सेस मिली इसको कि इन्होंने इमीडिएटली 40,000 से ज्यादा सेट बिक गए। तो इन्होंने तुरंत ही फिर दो मॉडल्स लॉन्च कर दिए, PDP-11 और VAX-11/7/80, ठीक। अब जो मिनी कंप्यूटर्स के जो बेसिक फीचर थे, ठीक है, जो मिनी कंप्यूटर्स के बेसिक फीचर्स थे वो आपको जानना चाहिए। पहला क्या था? पहला तो ये था कि मैंने आपको वही मीडियम साइज बता ही दिया, ठीक है, मीडियम साइज थे, ठीक। सेकंड जो था वो ये था कि जब मीडियम साइज थे तो दे आर मच, यू कैन से, मच लेस एक्सपेंसिव, मच लेस एक्सपेंसिव देन मेन फ्रेम, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, ठीक है, इसलिए इसको इतनी ह्यूज सक्सेस मिली। तीसरा क्या है कि दियर इन्वेंशन वॉज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द इन्वेंशन ऑफ कोर मेमोरी टेक्नोलॉजीज एंड ट्रांजिस्टर। तो ये मीडियम साइज हो गए, सस्ते हो गए, क्यों? क्योंकि उस समय टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हो चुका था, ट्रांजिस्टर आ चुका था पिक्चर में। ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर क्या होते हैं इस बारे में हम लोग प्रीवियस उसमें देख चुके हैं। अगर आपको ट्रांजिस्टर के बारे में थोड़ी सी और डिटेल चाहिए तो मैं चैनल का लिंक डाल दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या एंड स्क्रीन में। आप जो मेरा चैनल है श्री अनंता ट्यूटोरियल टेक्निकल के नाम से, श्री अनंता ट्यूटोरियल टेक्निकल, मैं चैनल का लिंक डाल दूंगा इसमें एंड स्क्रीन में। तो इस चैनल पे आप जाएंगे तो आपको ट्रांजिस्टर के
डीप डिटेल्स मिलेगी, तो डीप डिटेल नहीं, आप शुरू के कुछ वीडियोस पढ़ लीजिएगा कि ट्रांजिस्टर क्या होते हैं, तो आपको सुन लीजिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो ट्रांजिस्टर के आने से क्या हुआ कि साइज भी छोटी हो गई और ये सस्ते भी हो गए जो मिनी कंप्यूटर्स थे ट्रांजिस्टर्स की वजह से। ठीक, उसके बाद क्या हुआ कि मिनी जो हमने अभी पढ़ा था, मिनी कंप्यूटर ने भी एक साथ करीब 100 यूजर्स इस पे काम कर सकते हैं, यानी जो मेन फ्रेम वाला काम था वो इन्होंने भी अलाउ कर दिया, मतलब ये इतने पावरफुल थे। तो ये जो चारों इसके बेसिक फीचर थे, इसकी वजह से मिनी कंप्यूटर्स को काफी सक्सेस मिली थी। ठीक, उसके बाद क्या है कि कुछ एग्जाम्पल की अलग हम लोग बात करें कि कौन सी कंपनीज जो बनाती थी मिनी कंप्यूटर्स को, तो एक तो आपका हो गया सबसे, आप जानते भी हैं कंपनी का नाम एचपी। एचपी का फुल फॉर्म क्या है? हेवलेट पैकर्ड। ठीक है, हेवलेट पैकर्ड। उसके बाद आपका बाकी जो थी डीसी या और डेटा कंट्रोल। ठीक है, डीसी एंड डेटा जनरल, ये जो कंपनीज थी इन्होंने मिनी कंप्यूटर्स को मैन्युफैक्चर किया था। कुछ मॉडल्स जो ये कंपनीज लाई मार्केट में, उन मॉडल्स के मैं आपको नाम भी बता दे रहा हूँ, एटलीस्ट यू शुड नो कि व्हाट आर द मॉडल्स विच केम इनटू द मार्केट एज अ मिनी कंप्यूटर। वो थे आपके जैसे डीसी के, आप लिखिए तो जो वैक सीरीज, डीसी कंपनी जो थी, डीसी कंपनी के वैक सीरीज के जो कंप्यूटर थे, वैक सीरीज और पीडीपी सीरीज, ये मिनी कंप्यूटर्स लाई थी डीसी कंपनी। उसके बाद हेलवेट पैकर्ड ने हेवलेट पैकर्ड, जिसको हम सब लोग जानते हैं पैकर्ड, एचपी जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक, ये जो मिनी कंप्यूटर्स लाई थी, ये एचपी 3000 सीरीज थी, एचपी 3000 सीरीज, फिर एसडीएस था, ठीक है, फिर एसडीएस 92 था एंड सो ऑल। तो ये जो कुछ कंप्यूटर थे, और भी जैसे आपका डेटा सीडीसी कंपनी 160A, जैसे सीडीसी कंपनी जो थी कंट्रोल डेटा कॉरपोरेशन, ये 160A और अलग अलग मॉडल्स जो है ये कंपनीज लेके आई थी एज ए मिनी कंप्यूटर्स। तो इसमें जो मेन बात थी, और जैसे आपका हनीवेल जो कंपनी है वो भी लाई थी डीपीएस 6000 सीरीज, तो इसमें मेन जो चीज थी वो ये कहनी थी कि मिनी कंप्यूटर्स हैव इवेंचुअली इवॉल्व्ड इनटू माइक्रो कंप्यूटर्स। तो जब ये मिनी कंप्यूटर्स पर्सनल कंप्यूटर के तगड़े होने की वजह से, पर्सनल कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट की वजह से जब ये एब्सोल्यूट हो गए, ठीक है, मतलब मार्केट से ये बाहर हो गए, ऑब्सोल्यूट मार्केट से बाहर हो गए, तो फिर क्या हुआ कि ये धीरे से फर्दर इन्होंने इवॉल्व हो गए, ये कन्वर्ट हो गए, या आप ये कह दीजिए इनमें फर्दर डेवलपमेंट कर दिया गया, और इवेंचुअली दे इवॉल्व इनटू माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर्स ये सब कन्वर्ट हो गए माइक्रो कंप्यूटर्स में। ठीक है, इससे फायदा क्या हुआ कि विद द लॉन्च ऑफ माइक्रो कंप्यूटर द पब्लिक हैव हैड ए ग्रेट एक्सेस टू द एडवांटेज ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग कंप्यूटर्स इन द डेली स्ट्राइव और दियर लाइफ। जब ये माइक्रो कंप्यूटर में कन्वर्ट हो गए तो फिर पब्लिक को ये फायदा हुआ कि जो जनरल पब्लिक है वो उसको अपने डेली वर्क में कंप्यूटर्स का इस्तेमाल होने लगा। तो चूंकि ये ऑब्सोलीट हो गए, इसकी वजह से मिनी कंप्यूटर्स फर्दर इवॉल्व हो गए माइक्रो कंप्यूटर्स में, और माइक्रो कंप्यूटर में टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट से ये फायदा हुआ कि जो आम पब्लिक है, जो जनरल पब्लिक है, जो बेसिक लोग हैं, लेमैन लोग, जो नॉन टेक्निकल लोग हैं, वो भी इसका यूज करने लगे अपनी डेली लाइफ में। तो अब माइक्रो कंप्यूटर के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो आई होप कि आपको ये वीडियो कॉन्टेंट पसंद आया होगा। अगर वीडियो कॉन्टेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को
शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। और अगर आपको इसके बारे में कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट लाइन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।